हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस युवाल नोवा हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, जॉब्स इन फ्यूचर। आज के इस तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी के समय में हमें कोई आइडिया नहीं है कि 2030 या 2040 का जॉब मार्केट कैसा होगा। उस समय मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का असर हमें हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ह्यूमंस की दो एबिलिटीज होती हैं, कॉग्निटिव यानी कि उनका इंटेलिजेंस और फिजिकल एबिलिटीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आज तक के ऑटोमेशन ने ह्यूमंस को फिजिकल जॉब से रिप्लेस किया है और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ह्यूमंस के कॉग्निटिव रोल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस पूरी तरह से मशीन्स और सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो सकते हैं। ह्यूमंस डिसीजन लेने के लिए अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर्स के पास नॉलेज ह्यूमंस से ज़्यादा है और एक्सपीरियंस एक साथ करोड़ों लोगों के डेटा को कलेक्ट करके मिल सकता है। जितना ज़्यादा डेटा कलेक्शन होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन कंप्यूटर्स ले पाएंगे। इसलिए बड़े बड़ी कंपनीज डेटा को अपने सर्वर में सेव करके रखती हैं और उससे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में लगाती हैं। ह्यूमंस की प्रजाति के सक्सेस का कारण आपस में कोऑपरेट करना है। अफ्रीका के जंगल से आज तक हमने इतना डेवलपमेंट एक साथ कोऑपरेट करके ही अचीव किया है। लाखों साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने आपस में कोऑपरेट करके डिज़ाइंस रेडी किए और लाखों वर्कर्स ने उन डिज़ाइंस को रियलिटी में बदल दिया। इंटरनेट के आ जाने से अब कंप्यूटर्स भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो भी ह्यूमन से कहीं ज़्यादा तेज। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो लेवल एक्सपर्टाइज वाले जॉब्स जैसे कि बैंकिंग, पोस्टल, ट्रेडिंग, बुकिंग, टीचिंग, कस्टमर केयर, ऐसे जॉब्स से ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा और केवल हाई लेवल एक्सपर्टीज वाले जॉब्स ही रह जाएंगे जो कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स ही कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने रैपिड होंगे कि जॉब करने के लिए हर कुछ सालों में एम्प्लॉयज को अपने नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, जो कि उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल बना देगा। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से होने वाले जॉब लॉसेस से बचने के लिए सरकार को कुछ खास कदम उठाने होंगे, जैसे पहला, प्रिवेंट एग्जिस्टिंग जॉब लॉस। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को तो कोई सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन इस डेवलपमेंट को स्लो जरूर कर सकती है ताकि ह्यूमंस का इंपॉर्टेंस ज़्यादा समय तक बना रहे। दूसरा, प्रिपेयर फॉर जॉब लॉस। अगर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस होते हैं तो सरकार को ऐसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा सोशल सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें जॉबलेस लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हों और वो डिग्निटी और स्टेटस के साथ समाज में रह सकें। उसके लिए या तो सरकार को डेटा कंट्रोल करने वाले कॉरपोरेशंस पे टैक्स लगा के उन पैसों से जॉबलेस लोगों को मिनिमम बेसिक इनकम या मिनिमम बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट। फिनलैंड में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंटल सोशल सिस्टम बनाया गया है जिसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को 560 यूरोस पर मंथ सरकार बेसिक इनकम देती है। जॉबलेसनेस का खतरा सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज में है। आज तक चीप लेबर के रहते एशियन कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप कर रही थी। जैसे जैसे इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के सप्लाई चेन में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस करते जाएंगे, वैसे जॉबलेसनेस बढ़ती जाएगी। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रोथ के साथ साथ सोशल सिस्टम्स बनाने में भी ध्यान देना होगा। दूसरा, इकोलॉजिकल चैलेंज। ह्यूमंस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स अर्थ की इकोलॉजी को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को साइंटिफिक कम्युनिटी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, लेकिन किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल क्लास इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साइंटिस्ट की माने तो अर्थ का टेम्परेचर अगर 2 डिग्री बढ़ गया तो राइजिंग ओशियन लेवल और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे या तो बेघर हो जाएंगे। और एक बार अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो ह्यूमंस चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वापस उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल समस्या है, इसे कोई एक नेशन सॉल्व नहीं कर सकता। अगर एशिया और यूरोप की कंट्रीज क्लाइमेट चेंज के लिए ठोस कदम उठाते हैं लेकिन US इसे नकार देता है तो इसका असर केवल US पे ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ग्लोबल लेवल पे कदम उठाने की ज़रूरत है। ह्यूमंस को नेशनलिस्ट और ग्रोथ के सेंटिमेंट से निकल के ग्लोबल कम्युनिटी बना के सारे देशों की सरकार को फोर्स करना होगा कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए तुरंत कदम उठाएं, वरना अर्थ के डिस्ट्रक्शन को कोई भी ह्यूमंस रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम। हमारे स्कूल्स रोटे लर्निंग यानी कि रट्टा मारने पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस ज़माने का है जब इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें सब याद करना ज़रूरी था। 21st सेंचुरी के डिजिटल रिवॉल्यूशन ने ह्यूमंस को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर दिया है। इंफॉर्मेशन से ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स को रोटे लर्निंग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना सिखाना चाहिए। स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए।
उन्हें इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके सही और गलत में पहचान करना आना चाहिए। रैपिडली बदलती टेक्नोलॉजी के चलते स्टूडेंट्स को जनरल लाइफ स्किल्स जैसे एबिलिटी टू डील विद चेंज और लर्निंग न्यू थिंग्स क्विकली सिखाना चाहिए। फ्यूचर में ह्यूमंस को इंटेलिजेंट मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ फेक न्यूज़ और क्लाइमेट चेंज से जूझना पड़ेगा, इसलिए हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, फेक न्यूज़। आज के मॉडर्न वर्ल्ड को लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है, जिसमें यह माना जाता है कि हर इंसान का अपना फ्री विल होता है जो ये डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत। ह्यूमंस का डिसीजन मेकिंग इमोशंस और मेंटल शॉर्टकट्स पर बेस्ड होता है। ह्यूमंस स्टोरीज के फॉर्म में सोचते हैं, इसीलिए किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोरी के फॉर्म में ह्यूमंस के सामने बार बार रिपीट किया जाए तो ह्यूमंस उसमें आसानी से यकीन कर लेते हैं। ह्यूमंस के इसी बिहेवियर का फ़ायदा पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेशंस उठाते हैं। पॉलिटिशियंस अपना रूल बनाए रखने के लिए फेक न्यूज़ फैलाते हैं और मीडिया उसे बार बार रिपीट करता है, जिसे लोग उसे सच मानने लगते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सही न्यूट्रिशनल वैल्यू बताने के बजाय इमोशनल एडवर्टाइजिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ड्यू के एड्स में आपको एक्टर्स और यूथ इंजॉय करते दिखाए जाते हैं, लेकिन इनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो इससे डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अब क्योंकि ह्यूमंस उस दिखाई हुई स्टोरी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि उस न्यूट्रिशनल वैल्यू के एक्चुअल फैक्ट्स पे, इसलिए वो उस पे यकीन कर लेते हैं। कंपनीज़ के फेक प्रोडक्ट्स, मीडिया की फेक न्यूज़ पे भरोसा करके ह्यूमंस को इंडिविजुअल लेवल पे सफरिंग ही मिलती है। फेक न्यूज़ से बचने के लिए ह्यूमंस को एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कभी भी फ्री में नहीं मिलती। आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। मीडिया हमारे अटेंशन के बदले हमें सेंसेशनल न्यूज़ दे रहा है। इसे अवॉइड करके ह्यूमंस को अपना अटेंशन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन और रिपोर्ट्स पढ़ने में लगाना चाहिए, जिससे कि उसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट, टेररिज्म। टेररिस्ट मारते तो बस कुछ लोगों को ही हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को वो डरा देते हैं और सरकारों को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वर्ल्ड में डायबिटीज़, एक्सीडेंट और पॉल्यूशन से ज़्यादा लोग मरते हैं और टेररिज्म से बहुत कम। फिर भी सरकारें टेररिस्ट के खिलाफ ज़्यादा बड़े कदम उठाती है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसकी पॉलिसीज ने मिडिल ईस्ट रीजन को डीस्टेबलाइज कर दिया। टेररिस्ट के अटैक करने के तरीके पर ध्यान दिया जाए तो किसी भी जंग में आर्मी सबसे पहले वहाँ अटैक करती है जिसे तबाह करने के बाद एनिमी की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जैसे कि वेपन्स स्टोरेज एरिया, कम्युनिकेशन सेंटर। क्योंकि टेररिस्ट का मेन एम किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई लड़ना नहीं है, उन्हें बस पॉपुलैरिटी चाहिए, इसलिए वो वहाँ अटैक करते हैं जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले। उतना ही सरकार भी मजबूर हो जाती है पॉपुलर एक्शन लेने के लिए, जिससे पब्लिक को शांत किया जा सके, और इसी वजह से जो पैसा पब्लिक के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता था उसे डिफेंस में और आर्मी में लगाया जाता है। टेररिज्म को ख़त्म करने का सही तरीका है उनकी फंडिंग और हथियार के सप्लाई चेन को ब्रेक करना, जो कि हमारी खुफिया एजेंसीज करती हैं और इसका देश में किसी को पता नहीं चलता। सरकारों को चाहिए कि टेररिस्ट अटैक की वजह से पब्लिक प्रेशर में ना आए और खुफिया तरीके से टेररिस्ट के ठिकानों पर अटैक करें, और मीडिया को चाहिए कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक हो उसे सेंसेशनलाइज ना करें और ज़्यादा पब्लिसिटी ना दें, क्योंकि टेररिज्म का मेन एम पब्लिसिटी लेना ही है। बिना किसी पब्लिसिटी, फंडिंग और हथियारों के टेररिज्म अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। ये थी 21st सेंचुरी की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, जिसे हमने डिस्कस किया युवाल नोवा हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।